बहुत प्यारा गायन वादन, जवाब उससे भी लाजवाब है। पूछ रहे हैं कि शादी किससे हुई, जब सर कट गया गलती से इधर उधर सर जुड़ गया। आदरणीय रिंकी जी, मोर मोरनी का प्रसंग आपने बताया है, आप जानती हैं कि उसका पति कौन बना, लेकिन फिर भी पूछा है तो बताना पड़ेगा। पति की पहचान उसके सर से होती है ना कि उसके बाकी शरीर से, इंसान की पहचान उसके सर से होती है। तो जो सर उसके पति का था उसी के साथ अगले जन्म में वो मोर मोरनी बने हैं, और इसीलिए मोर कभी संभोग नहीं करता है। उसके पति के आंखों से जो अश्रु निकलते हैं उनको पी के मोरनी गर्भवती होती है। लेकिन आज आपको हुआ क्या है, सवाल पे सवाल जाओगे पड़ी हो। मुझे लगता है लोग सोच रहे हैं कैसेट बन रही है। और क्या, सवाल पे सवाल, कोई बात नहीं है, ये सब नारायण। ये जरूर कहूंगा कि रात भर में एक बिंदी लगा के दिखाना बस। मैं सवाल नहीं करता ना, सवाल मैं करूंगा ही नहीं ना बेटे, कोशिश करना कि एक बिंदी लगा के लाइन पूरी हो जाए, पूरी रात में कोशिश करना। क्योंकि सवाल अगर हम करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे परिवार का नाम ही अलग हो जाएगा। हम में तुम में सवाल का दौर है, हाँ प्रयास करेंगे, सवाल हम भी करें। चलो बेटा, चलो बेटे। मैंने एक शाम चरागों से जला रखी है, अरे मैंने एक शाम चरागों से जला रखी है, लोगों ने सर्द हवाओं से लगा रखी है, शायद कोई आ जाए मुझसे भी ज्यादा प्यासा, बस इसी वास्ते थोड़ी सी बचा रखी है। मैं ये नहीं कहता शादी किससे हुई, अरे जिसके भाग में होगी उससे होगी, बहुरिया वही ले जाएगा। फिर बार बार करेंगे कहो ना प्यार है, मैंने थोड़ा कहा है ना, ये फिल्मी दुनिया वाले जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। मैं नहीं कहता ना, क्योंकि प्यार व्यार दिल विल में क्या जानू। बहुत प्यारी सुनाई, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर हो आए, बोली ससुर आंखों में मस्ती आए, आए, ए, 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 अरे भोली सुरी शर्मा भोले बहुत प्यारा गीत दिया है। भारत की रानी बने आई लक्ष्मी रानी, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई रानी बनाई, फिर माता रानी बनाई, फिर रानी लक्ष्मी बाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गीत मैंने कई बार शंभू भैया के मुंह से सुना है, और का बेटे अभी गाते हैं इसको। अब गीत किसका है ये मुझे पता नहीं है, मैं क्या करता हूं, आपका हो या शंभू भैया का हो, लेकिन ठीक है मैंने सुना है, बस सुना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल हम भी गा सकते हैं, ये बात सत्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम नहीं गाएंगे, क्योंकि जब आप लोग गा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पहले से गाते चले आ रहे हैं, तो फिर उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि आप ही गाइए, अब मैं दोबारा तो गा नहीं सकता क्योंकि आप गा चुके हैं, तो मैं जो गा सकता हूँ वो जवाब सुनिए। जब लक्ष्मी बाई
रानी लक्ष्मीबाई आपने दिखाया, प्रयास देखिएगा रानी का जवाब राजा से आ जाए तब तो जवाब है। और क्या सुनिए, अरे घर में जन्मी प्रभु कृपा से अपने बेटा राजा, हर एक घर में भगवान की कृपा से एक बेटा राजा होता है, किसी के दो होते हैं किसी के चार होते हैं, तो लेकिन सुनिए सुनिए, अरे घर में जन्मे प्रभु कृपा से सुंदर बेटा राजा, और बेटा राजा एक दिन बन जाए छत्रपति राजा। एक समय आता है कि एक आज अपने भारत देश में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन चुका है, किसी के घर का बेटा आज पूरे देश का राजा बन चुका है। लेकिन बात सुनिए सुनिए, अरे बेटा राजा एक दिन बन जाए छत्रपति महाराजा, तो इनके राज में भारत में अरे सुंदर साज है साजा, तो इसीलिए कहलाते हैं, अरे इसीलिए कहलाए छत्रपति शिवाजी महाराजा। आप रानी लक्ष्मीबाई लाई है, छत्रपति शिवाजी को ला रहा हूँ जो महाराष्ट्र से बिलोंग करके अपने देश में नाम किया, तो इसीलिए कहलाए है छत्रपति शिवाजी राजा, इसीलिए कहलाए है छत्रपति शिवाजी राजा। छत्रपति शिवाजी राजा कहलाए हैं, छत्रपति शिवाजी राजा कहलाए हैं, छत्रपति शिवाजी राजा। और भैया श्री नौमी लाल जी, नव दुर्गा जागरण कमेटी, नौमी लाल जी इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार चरणों की वंदना है, और अनंत राम भैया की तरफ से भी 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार चरणों की वंदना है, बिहारी लाल भैया की तरफ से भी 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं सभी लोगों को बार बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा एक बहुत प्यारा गीत आया है आदरणीय रिंकी जी की तरफ से, सुनिए सुनिए। हेलो आय हाय री मजबूरी है, ये मौसम और ये दूरी दिन रात मुझे तड़पाए, तेरी तो टकिया की माकरी में मेरा लाखो का सावन आए, हाय हाय री मजबूरी, बहुत प्यारा गीत है। और प्यारा क्यों ना हो, जब अपने खानदान से अपने घराने से कोई गीत निकलता है तो लोग कहते हैं कि हाँ गीत आया है। सुनिए आपके गीत को नमन करते हुए जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, सुनिएगा सुनिए। मजबूरियां आपने दिखाई है,
मजबूरियां मैं भी दिखा रहा हूं, सुनेगा जवाब जरूर। लेकिन देखिए हुआ क्या, अपनी ही पुत्री पे देखो शेष का दिल है आया। शेष ने अपने उस फन को तुरंत ही काट गिराया, आगे आया आगे शेष नाम का एक फन अपनी ही पुत्री पे मोहित हो गया। जब मोहित हो गया तो तिवारी जी बेटे सभा सोच रहे से स्नान कैसा है ये पाप के जिसका बेटी पर दिल आए। क्या बात है, क्या बात, कैसा है ये पाप के जिसका बेटी पर दिल आए। आए हाय ये मजबूरी, बाप अपनी ही पुत्री पर मोहित हो रहा है। आए हाय ये मजबूरी, अपनों से अपनी दूरी, हम किसको अब बतलाए। अरे कैसा बाप है जो बेटी पे अपना दिल ये लगाए। आए हाय ये मजबूरी, दूसरी बात सुना अपने घर में पाली, हुई जवान तो उसने ही शादी उससे रचा ली। हाँ रचा ली, हाँ रचा ली, जब शादी रचा ली तो उसको ही पाला, उससे ही शादी कर ली। लेकिन देखिए हुआ क्या, जब लड़की को लड़का हुआ तो वो लड़का कह रहा है, अरे पापा कहे या नाना इनको, पापा कहे या नाना इनको कुछ ना समझ में आए। हाय ये मजबूरी, ये भी मजबूरी है क्योंकि पिता ने पुत्री से शादी रचाई और लड़का पैदा हुआ तो पापा कहे कि नाना कहे। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये पिता पुत्र की दूरी, हम किसको अब बतलाए। तो विकट समस्या लाल के सम्मुख कुछ भी समझ ना आए। Yeah.
अच्छे गीत का प्रयास रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं ये नहीं कहता कि ये जवाब हो गया,